नमस्कार, मैं हूं शिवानी। आज है 14 अगस्त। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मौसम से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए आप बिहार वेदर यूट्यूब चैनल पर जरूर विजिट करें, यहां आपको मौसम से जुड़ी विस्तृत जानकारी मिल सकेगी। अब खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार पुलिस में कुल इतने रिक्त पदों पर निकली भर्तियां। सभी विश्वविद्यालयों में इसी साल होगी कर्मचारियों की भर्ती। मनरेगा कर्मियों की बकाया मजदूरी का भुगतान शुरू। लोजपा में टूट पर बोले सूरजभान सिंह। सम्राट चौधरी ने कहा महागठबंधन सरकार में है एक सीएम और 5 सुपर सीएम। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार पुलिस में कुल इतने रिक्त पदों पर निकली भर्तियां। बिहार पुलिस सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल पटना बिहार ने प्रोहिबिशन कांस्टेबल के कुल मिलाकर 76 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को 10+2 पास होने के साथ ही हाइट, वेट और चेस्ट की आवश्यक निर्धारित माप होनी जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर निश्चित डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए विव लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 13 सितंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर जरूर चेक करें। स्वतंत्रता दिवस को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश सहित राज्य भर की सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रदेश भर की पुलिस अलर्ट मोड पर है। खासकर नक्सल प्रभावित इलाकों में खास चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती भी की गई है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के SP और रेल पुलिस को सघन तलाशी अभियान चलाने का निर्देश दिया है। महत्वपूर्ण बाजारों और इमारतों की चौकसी बढ़ाई जा रही है। होटल और लॉज में ठहरे लोगों की जाँच पड़ताल करने को कहा गया है। रेलवे स्टेशन और बस हवाई अड्डों पर भी सतर्कता बढ़ाने को कहा गया है। किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की जानकारी मिलने पर पूरी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे शमीम हाशमी की। शमीम हाशमी का जन्म आज ही के दिन 14 अगस्त 1947 बिहार के सासाराम जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा मदरसा खानकाह कबीरिया में प्राप्त की। उन्होंने 15 साल की उम्र में ही आलिम यानी कि स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली और मदरसा शम्स उल हुदा पटना से फाजिल यानी फारसी और उर्दू से पढ़ाई करने लगे। शमीम हाशमी को साहित्य भूषण और बिहार उर्दू अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उनके द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथों में संग्रह फारसी गजल, फारसी की पहली किताब जो कि इंटर कॉलेज और मगध विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्य पुस्तक में शामिल है, साथ ही तालीफ फरियादे रगीब और तखलीज ए शेर उल अजाम शामिल है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कई नए मापदंडों पर परखे जाएंगे निकाय। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के नतीजे की घोषणा भले ही अब तक नहीं हो सकी है, लेकिन स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की मूल्यांकन प्रक्रिया अपने तीसरे स्टेज में पहुंच गई है। अगले 3 माह अगस्त से अक्टूबर तक चलने वाले इस चरण में नगर निकायों को कई नए मापदंडों पर परखा जाएगा। मूल्यांकन को लेकर इस बार भारत सरकार ने कई नए इंडिकेटर्स लॉन्च किए हैं। इस चरण में सूबे के नगर निकायों को सेवा आधारित यानी सर्विस लेवल प्रोग्रेस में अंक जुटाना बड़ी चुनौती होगी। वहीं अधिकारियों के मुताबिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के नतीजों की घोषणा इसी महीने या अगले महीने के प्रारंभ में की जा सकती है। सभी विश्वविद्यालयों में इसी साल होगी कर्मचारियों की भर्ती। बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों की कमी जल्द ही पूरी होगी। सभी विश्वविद्यालयों में 661 नए कर्मचारियों की भर्ती होने वाली है। इसमें प्रिंसिपल के लिए जितने भी पद खाली हैं उसे भी जल्द ही भरा जाएगा। तमाम रिक्ति आने पर ही शिक्षा विभाग इन पदों पर बहाली के लिए वित्त विभाग के बाद कैबिनेट से परमिशन लेकर अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को सौंपेगी। सभी अंगीभूत कॉलेजों में प्रिंसिपल के रिक्त पदों को लिस्ट 15 दिनों के अंदर विभागों को सौंपना है। इसके लिए पतियों को निर्देश दिया गया है, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज के अंगीभूत कॉलेजों में प्रिंसिपल के रिक्त पदों पर इसी साल बहाली कर ली जाएगी। जंगलराज वाले बयान पर ललन सिंह का भाजपा पर पलटवार। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी को सीधे सीधे कहा कि जस करनी तस भोगवताता, नरक जात तो क्यों पछताता। सत्ता परिवर्तन के बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार हमलावर है। ललन सिंह कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी अपने गठबंधन साथियों को सम्मान नहीं देती है। ललन सिंह ने साफ कह दिया है कि बीजेपी के पहले के नेता अपने साथी का सम्मान करते थे, जबकि अभी के नेता अपने साथियों की हत्या करने और पीठ पर पीछे से वार करने में विश्वास करते हैं। साथ ही ललन सिंह ने बीजेपी के बिहार में पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तौर पर गुंडाराज की वापसी के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जंगलराज कहां रिटर्न आएगा, नीतीश कुमार सुशासन के प्रतीक हैं, जंगलराज तो बीजेपी वाले लाए थे।
तीर्थ यात्रा प्लान कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर। सर्दियों के सीजन में टूर का प्लान कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल पर्यटन स्थलों की यात्रा के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड IRCTC स्वदेश दर्शन यात्रा के अंतर्गत ज्योतिर्लिंग स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन चलाने जा रही है। यह तीर्थ यात्रा आगामी 6 नवम्बर से 17 तारीख तक के लिए होगी। कोलकाता से चलने वाली यह टूरिस्ट ट्रेन दुमका, भागलपुर और जमालपुर के रास्ते चलेगी। 18 कोच वाली इस ट्रेन में 13 स्लीपर और 2 AC 3 बोगियां शामिल हैं। IRCTC के सीनियर सुपरवाइजर मनीष कुमार और दीपांकर मुन्ना ने बताया कि 12 दिनों की इस विशेष पर्यटक ट्रेन यात्रा के लिए प्रत्येक यात्री को स्टैंडर्ड कैटेगरी पैकेज स्लीपर क्लास के लिए 22,010 रुपये और कम्फर्ट श्रेणी यानी AC 3 पैकेज के लिए 32,020 रुपये का भुगतान करना होगा। गया का सूर्य मंदिर इस वजह से है बेहद खास। बिहार के गया शहर में सूर्य मंदिर प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के 20 किलोमीटर उत्तर और रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। भगवान सूर्य को अर्पित यह मंदिर सोन नदी के किनारे स्थित है। दीपावली के 6 दिन बाद बिहार के लोकप्रिय पर्व छठ के अवसर पर यहां तीर्थयात्रियों की जबरदस्त भीड़ होती है। इस अवसर पर यहाँ मेला भी लगता है। इस अवसर पर दूर दूर से लोग यहाँ छठ व्रत करने के लिए पहुँचते हैं। विजय सिन्हा ने कहा 15 अगस्त को विधानसभा में जरूर फहराएंगे तिरंगा। बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय सिन्हा पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बिहार में घमासान मचा हुआ है। इस बीच विजय सिन्हा ने कहा कि जब तक संवैधानिक पद पर हैं अपने संवैधानिक कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा की गरिमा को बढ़ाने के लिए जितना भी अवसर मिला हमने किया है, उसे लोगों ने देखा है। हमारी कोशिश रहेगी कि वो गरिमा बढ़ते रहे। दरअसल विजय सिन्हा ने पूछा गया कि क्या वे 15 अगस्त को सदन में झंडोत्तोलन करेंगे। इस पर विजय सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी है कि उन्होंने साफ साफ कहा कि जब तक संवैधानिक पद पर हूं कर्तव्यों का पालन करूंगा। मनरेगा कर्मियों की बकाया मजदूरी का भुगतान शुरू। हाल ही में यह खबर आई थी कि मनरेगा मजदूरों को समय से भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार मनरेगा के मजदूरों की संख्या में कमी आ रही है। वहीं अब खबर यह आ रही है कि मनरेगा श्रमिकों की बकाया मजदूरी का भुगतान उनके खाते में शुरू कर दिया गया है। जल्द ही सभी के बकाए का भुगतान कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस मद में 1,579 करोड़ जारी कर दिए हैं। राशि के अभाव में 7 जून 2022 से ही श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान रुका हुआ था। इसका असर हुआ कि मनरेगा में प्रतिदिन काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 22 लाख से घटकर 8 लाख तक आ गई। इन ट्रेनों में बढ़ाई गई सीटें, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा से लेकर 3 जोड़ी ट्रेनों में 3rd AC वातानुकूलित कुर्सी यान और द्वितीय शयन यान श्रेणी के अस्थायी कोच बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। रेलवे के इस फैसले से यात्रियों का आवागमन सुगम और आसान हो सकेगा। यह कोच खासकर अजमेर जैसलमेर में नई दिल्ली, किशनगंज और जम्मू तवी के बीच संचालित ट्रेनों में जोड़े जाएंगे। दरअसल त्योहारी मौसम की छुट्टियों को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए यह फैसला लिया है। जिन ट्रेनों की सीटें बढ़ाई गई हैं उनमें जम्मू तवी जैसलमेर जम्मू तवी, किशनगंज अजमेर किशनगंज और अजमेर नई दिल्ली अजमेर शामिल है। सुशील मोदी ने बताया जदयू का भाजपा से मोह भंग होने का 3 प्रमुख कारण। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने NDA से जदयू का गठबंधन टूटने का 3 प्रमुख कारण बताया है। सुशील मोदी ने कहा कि 3 कारणों से गठबंधन टूटा है। नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा, लालू परिवार की सत्ता की बेचैनी और ललन सिंह का केंद्र में मंत्री नहीं बन पाने की जलन। मोदी ने कहा कि यही वो 3 वजहें थी जिसकी वजह से नीतीश कुमार भाजपा से अलग हो गए। अब जब कोई बहाना नहीं सूझ रहा है और मैंने नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा की बात कह दी है जिसके बाद जदयू परेशान हो गई है। सुशील मोदी ने कहा कि जानबूझकर मुझ पर बयान देकर जदयू राजनीति करना चाहती है लेकिन उसका कोई फायदा उन्हें नहीं मिलेगा। 75 स्वतंत्रता सेनानियों की वेशभूषा में तिरंगा यात्रा निकालकर इस शहर ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। भारत इस साल अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहा है और इस मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हर कोई अपने अपने क्षेत्र में अपने तरीके से आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रहा है। इस कड़ी में भागलपुर ने अपने नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया है। दरअसल भागलपुर शहर के सैंडिस कंपाउंड से बीते दिन तिरंगा यात्रा निकाली गई जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसमें 75 फीट के लंबे तिरंगे के साथ साथ 75 स्वतंत्रता सेनानियों की वेशभूषा में बच्चों को सजाकर यात्रा निकाला गया। तिरंगा यात्रा के दौरान हजार की संख्या में आम लोगों के साथ साथ कई स्कूल के बच्चे बच्चियों सहित बीजेपी कार्यकर्ता भी थे। आपको बताते चले कि बिहार के भागलपुर में बने इस विश्व रिकॉर्ड के साक्षी जमुई की विधायिका श्रेयसी सिंह, बीजेपी नेता अरिजीत सारस्वत और कहलगांव के बीजेपी विधायक पवन यादव भी मौजूद रहे।
बिहार में संभावित सूखे की स्थिति पर सरकार की है नजर। इस साल प्रदेश में मानसून के महीने में हुई कम बारिश की वजह से बिहार के लगभग 35 जिलों में सूखे की स्थिति बनी हुई है। वहीं कम बारिश के कारण संभावित सूखा को देखते हुए राज्य सरकार ने इस पर सतत निगरानी करने का निर्णय लिया है। बीते दिनों बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों ने बताया कि गया, भागलपुर और लखीसराय में 40% भी बारिश नहीं हुई है। दोनों जिले अल्पवृष्टि की श्रेणी में है। वहीं 3 जिलों को छोड़ बाकी 33 जिलों में 19 से 60% के बीच कम बारिश हुई है। लक्ष्य की तुलना में 70% धान की रोपनी हुई है। मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर आदि जिले में धान की रोपनी का प्रतिशत 50% से भी कम है। कई जिले में भूगर्भ जलस्तर भी नीचे चला गया है। हालांकि इस स्थिति से निपटने के लिए सिंचाई के लिए डीजल पर अनुदान और 16 घंटे बिजली की सेवा भी बहाल की जा रही है। अगले 3 दिनों तक हल्की बारिश के आसार। बिहार में कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला सा है। आसमान में बादल छाए रहते हैं और हवाओं की गति भी तेज रहती है। ऐसा मौसम खासकर दक्षिण बिहार के इलाकों में देखने को मिल रही है। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र व भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 13 से 17 अगस्त तक के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी किया था। इस अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रह सकते हैं। वहीं उत्तर बिहार के अनेक स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। लोजपा में टूट पर बोले सूरजभान सिंह। एनडीए से जदयू के बाहर निकलने के बाद लोजपा का भी महागठबंधन से जुड़ने की खबर खूब तेजी से चल रही थी। हालांकि इन कयासों को वैशाली के लोजपा सांसद और साथ ही सूरजभान सिंह ने बेबुनियादी बताया है। सूरजभान सिंह ने एकजुट बताते हुए कहा कि रालोजपा एक है, किसी प्रकार की कोई टूट नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि एकता में शक्ति होती है, हम तो उन्हें भी रालोजपा में साथ आने का निमंत्रण देते हैं जो हमसे दूर चले गए हैं। वहीं वीणा देवी ने भी इन कयासों को बेबुनियाद बताया है। सम्राट चौधरी ने कहा महागठबंधन सरकार में है 1 CM और 5 सुपर CM। नई सरकार पर हमलावर हुए पूर्व पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने जोरदार हमला बोला है। बिहार के पूर्व पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार पर नए सिरे से हमला बोलते हुए कहा कि मैं 27 वर्षों से बिहार की राजनीति को देख रहा हूँ। बीजेपी में लंबे समय तक नीतीश कुमार को सहयोग किया। बीजेपी ने उनको बिहार का गार्जियन माना। कल तक बिहार में एक मुख्यमंत्री थे और आज 5 सुपर CM है। गौरतलब है कि पिछले दिनों सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि अगर नीतीश कुमार को पाकिस्तान में भी PM बनने का मौका मिल जाए तो वो वहां भी चले जाएंगे। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की व्यवहारिक परीक्षा हुई रद्द। श्रम संसाधन विभाग ने 55 प्राइवेट ITI की व्यवहारिक विषयों की परीक्षा रद्द कर दी है। कहा गया है कि इन केंद्रों पर 1 से 4 अगस्त के बीच ली गई परीक्षा के दौरान काफ़ी अनियमितता बरती गई है। जांच के दौरान त्रुटि पाए जाने के बाद विभाग ने यह निर्णय लिया है। विभाग के निदेशक राजीव रंजन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा के एनुअल सिस्टम के दौरान व्यवहारिक परीक्षा चल रही थी। राज्य के 55 ITI परीक्षा केंद्रों में नियमों का पालन नहीं किया गया। इसे देखते हुए विभाग ने इन सभी केंद्रों की व्यवहारिक परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज का गोल्डन ज्वाइंट हुआ लॉन्च। आज़ादी के बाद पहली बार श्रीनगर को शेष भारत से जोड़ा गया, क्योंकि चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल आर्च रेलवे पुल पर ओवर आर्क डेक 13 अगस्त को लॉन्च किया गया। यह पुल एफिल टावर से भी ऊंचा है। इसकी लंबाई 1,315 किलोमीटर है। यह 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। रियासी जिले में चिनाब नदी पर निर्माणाधीन यह पुल सलाल ए और दुग्गा रेलवे स्टेशनों को जोड़ेगा। इसे राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में देखा जाएगा। यह पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के हिस्से के रूप में उत्तर रेलवे द्वारा 28,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत का विभाजन 1947 को हुआ और पाकिस्तान पृथक राष्ट्र बना। मुरारजी देसाई 1968 को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किए गए। भारत सरकार ने 2010 में 64वें स्वतंत्रता दिवस पर काबुल में शहीद हुए सेना चिकित्सा कोर के मेजर एल ज्योतिन सिंह को अशोक चक्र तथा विनोद चौबे और मेजर दविंद्र सिंह जस को कीर्ति चक्र प्रदान करने की घोषणा की। भारत के प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार कुलदीप नैयर का जन्म 1924
24 को हुआ था। भारतीय फिल्म अभिनेता जॉनी लीवर का जन्म 1956 को हुआ था। भारतीय क्रिकेटर प्रवीण आमरे का जन्म 1968 को हुआ था। प्रसिद्ध राजस्थानी कवि तथा स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहाट का निधन 1941 को हुआ था। कुश्ती खिलाड़ी खाशावा जाधव का निधन 1984 को हुआ था। प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेता शमी कपूर का निधन 2011 को हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय कवि एवं साहित्यकार चंद्रकांता देवताले का निधन 2017 में हुआ और आज ही के दिन विश्व युवक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जिम्बाब्वे दौरे के लिए रवाना हुई टीम इंडिया। भारतीय क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे दौरे के लिए रवाना हो गई है। मालूम हो कि 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए केएल राहुल को टीम की कप्तानी का जिम्मा दिया गया है। लंबे समय से चोट से जूझ रहे गेंदबाज दीपक चाहर की भी वापसी हो रही है। बीसीसीआई के टीम इंडिया के जिम्बाब्वे दौरे पर रवाना होने की तस्वीरों को साझा किया। 18 से 22 अगस्त तक भारतीय टीम को यहाँ वनडे मैच खेलना है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस दौरे के लिए शिखर धवन को कप्तान बनाया गया था, लेकिन केएल राहुल की वापसी की वजह से उन्हें इस दौरे पर उपकप्तानी सौंपी गई है। व्हाट्सएप मैसेंजर नोटिफिकेशन से ऐसे पाया छुटकारा। आज के दौर में फोकस और एकाग्रता लग्जरी हो चुका है। हर इंसान अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस पाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि स्मार्टफोन पर सैकड़ों ऐप्स के चलते लोगों का ध्यान भटकता रहता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो व्हाट्सएप या फेसबुक मैसेंजर पर काफ़ी एक्टिव होते हैं और इन प्लेटफॉर्म पर लगातार नोटिफिकेशन आती रहती है और यह नोटिफिकेशन लोगों का ध्यान काफ़ी भटकाता है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि व्हाट्सएप या मैसेंजर पर चैट को कैसे म्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले स्मार्टफोन में फेसबुक मैसेंजर ऐप पर जाने के बाद उस चैट पर जाएं जिसे आप म्यूट करना चाहते हैं। अब इस चैट पर लॉन्ग प्रेस करें। इसमें म्यूट नोटिफिकेशंस का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब आपको म्यूट मैसेज नोटिफिकेशंस, म्यूट कॉल नोटिफिकेशंस, म्यूट मैसेज और कॉल नोटिफिकेशंस जैसे कुछ ऑप्शन दिखने लगेंगे। इनमें से किसी भी मैसेज को सेलेक्ट किया जा सकता है और फेसबुक मैसेंजर पर मैसेज या कॉल्स की आवाज वाली नोटिफिकेशन से निजात पाई जा सकती है। गृह मंत्री ने कहा कि देश की हर पंचायत में पैक्स समितियों के गठन की जरूरत। बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि देश के हर पंचायत में पैक्स समितियों के गठन की जरूरत है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकारी समितियों के जरिए 10 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण मुहैया कराने के लिए देश भर में 2 लाख से अधिक नई प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों यानी कि पैक्स के गठन की जरूरत है। शाह ने यहाँ ग्रामीण सहकारी बैंकों के एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश में फिलहाल 95,000 से अधिक पैक्स समिति मौजूद हैं, लेकिन उनमें से करीब 63,000 समितियां ही सक्रिय रूप से काम कर रही है। तेलंगाना पुलिस ने इस जिले में की छापेमारी। बिहार के नवादा जिले में तेलंगाना पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में कैश बरामद किया है। हैदराबाद से आई पुलिस टीम ने जिला पुलिस के सहयोग से वारसिलीगंज के भवानी बिघा गांव में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 1,22,00,000 रुपए कैश बरामद की। इसके साथ ही पुलिस ने 3 लग्जरी गाड़ियों के साथ 4 ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया है। जब्त सभी लग्जरी गाड़ियां झारखंड नंबर की हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार 4 ठगों से कड़ी पूछताछ में जुटी हुई है। बिहार में मिले कोविड-19 के 150 से भी कम मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 127 कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 788 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 9, भागलपुर में 21, भोजपुर में 3, ईस्ट चंपारण में 1, दरभंगा में 1, बक्सर में 2, गया में 6, जहानाबाद में 6, खगड़िया में 2, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और नालंदा में 1, पटना में 51, पूर्णिया में 7, रोहतास में 7, सारण में 1, शेखपुरा में 3, सिवान, सुपौल और वैशाली में 1। एक ऐसे मरीज की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन कोरोना सैंपल बिहार में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 80,115 सैंपल की जांच की गई है। इस दौरान 165 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर करीम खान, रंजीत मिश्रा, अमित प्रकाश, सूरज कुमार, उदयकांत यादव, रविशंकर, सुबोध कुमार, कुलदीप कुमार, नवीन कुमार, अजय कुमार, दीपू कुमार, अजय कुमार, अमर कुमार, सिद्धार्थ कुमार, शिमंडल और दीपक राज। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार नीतीश कुमार का बीजेपी से अलग होने की क्या वजह हो सकती है। अपना जवाब है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।